सो ही गाइस, और आज की स्टूडियो में हम जानने वाले रिकैलिब्रेट मोड के बारे में गाइस, कि आखिर रिकैलिब्रेट मोड क्या है और क्यों डाला गया है इसे ओमनीट्रिक्स में। और भाई, अगर आपने मेरे बाकी के मोड्स को नहीं देखा है ओमनीट्रिक्स के, तो उन्हें भी जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है भाई, जाके देख लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके कर लो भाई। और भाई, वॉइस थोड़ी अगर अलग दिख रही है तो उसके लिए माफ़ करना भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। रिकैलिब्रेट मोड हमें सबसे पहले बेंड रिटर्न्स पार्ट वन में देखने को मिला था भाई, जहाँ पर भाई रिकैलिब्रेट मोड ऑन हो गया था भाई। और भाई, रिकैलिब्रेट मोड की मदद से ओमनीट्रिक्स का डिज़ाइन बदल जाता है भाई, रूपरेखा में। ऐसा ही हमें भाई एक बार हमें वेंजेंस ऑफ विलगैक्स के पार्ट 1-2 में देखने को मिला था, जहाँ पे विलगैक्स ने जब ओमनीट्रिक्स को पहना था तो वो उसके हाथ पे फिट हो गई थी भाई। और भाई, जो रिकैलिब्रेशन मोड है उसका होना भाई ओमनीट्रिक्स में नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना वॉच जो है पहनने वाले के पूरी फिट नहीं होगी भाई, जैसे विलगैक्स के हुई थी ना भाई रिकैलिब्रेशन मोड की मदद से भाई। और इसकी मदद से भाई ओमनीट्रिक्स अपने कई सारे टाइप्स में बदल सकता है, जैसे कि भाई पहला जो ओमनीट्रिक्स टाइप भाई, उसके बाद भाई बना रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स भाई, ऐसे वो कई सारे आकार ले सकता है भाई। ओमनीट्रिक्स हर ओमनीट्रिक्स में बदल सकता है, तरह तरह के ओमनीट्रिक्स में। और भाई, आज मत को लगा भाई कि ओमनीट्रिक्स में यूनिवर्स में काफ़ी सारे एलियंस हैं, तो उनके लिए भाई जो है किसी भी चीज़ में फिट होने के लिए भाई जो है रिकैलिब्रेशन मोड को डाला जाना चाहिए भाई। और रिकैलिब्रेट मोड की मदद से जो है बेंटन के ओमनीट्रिक्स के ग्लिचेस भी हट जाते हैं, और भाई उससे जो है वो एडवांस्ड हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम्स पहले थी भाई वो हट गई थी और नए नए फीचर्स आए थे उसकी मदद से। तो भाई, रिकैलिब्रेशन मोड भी एक अच्छा फीचर है भाई। और भाई, इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे भाई रैंडमाइजर मोड के बारे में भाई। तो आज की वीडियो तो बस इतनी थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी साथ।